हेलो गाइस, माय नेम इज अक्षय एंड वेलकम टू विजयास रेसिपीज। आज की हमारी रेसिपी एक बहुत फुल फ्लेजेड हेवी ड्यूटी रेसिपी नहीं है, इट्स अ सिंपल रेसिपी, बट वो सिंपल होने के बावजूद जब उसे बनाते हैं एंड इट्स एक्चुअली अ रेसिपी जो एक मेन डिश को कॉम्प्लीमेंट करता है। इट्स अ चटनी रेसिपी, रेड चटनी, जो हम इडली, डोसा और मेदू वड़ा के साथ खा सकते हैं। पता है, जब आप मैसूर मसाला डोसा खाते हो तो वो जो चटनी होती है रेड कलर की, वो जो होता है, दिस इज टुडेज रेसिपी। एंड ये गाइस विद द यूज ऑफ गार्लिक एंड अनियंस उसका पेस्ट बना के और मम्मी भी उसे पूरा ग्राइंड करती है और इसको चना दाल, विच इज बंगाल ग्राम, चना दाल या विदाउट चना दाल भी बनाया जा सकता है इसको। एंड मुझे पता नहीं मम्मी इसको इसे कैसे बनाने वाली है, बट एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे इतना पता है कि बहुत टेस्टी लगने वाला है। और कितनी बार ऐसा होता है कि मैं मम्मी को बोलता हूँ कि वो जो पोटेटो मिक्सचर जो होता है वो प्लीज मत लगाओ डोसा में, सिर्फ बटर और वो रेड चटनी वो डाल के दे दो, वो उससे डोसा बना के दे दो, एंड मैं उसे सांभर और चटनी के साथ खाता हूँ, अमेजिंग लगता है गाइस। सो यस, टुडेज रेसिपी इज रेड चटनी, एंड इफ यू लाइक आवर रेसिपी प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट ऑल आवर नोटिफिकेशंस एज सून एज वी अपलोड द वीडियोस। लेट्स मेक टुडेज रेसिपी गाइस। रेड चटनी फॉर मैसूर मसाला डोसा। ये चटनी बनाने के लिए हमने लिया है 10 से 12 कश्मीरी लाल मिर्च और 10 से 12 बेडगी मिर्ची। कश्मीरी लाल मिर्च हम लेंगे कलर के लिए और ये बेडगी लाल मिर्च लिया है तीखेपन के लिए। ये बेडगी मिर्ची को भी हम इसी बॉल में ऐड कर लेंगे। इसमें हम पानी डालेंगे, इसे 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। हमने लाल मिर्च को अच्छी तरह से 2-3 बार पानी से धो लिया है, इसमें पानी डालेंगे और इसे 1 घंटे तक पानी में सोक करके रखें। हमने ये रेड चिलीज को पानी में 1 घंटे तक भिगोने के लिए रख दिया है। हमने 1 घंटे तक इस रेड चिलीज को सोक कर लिया है। अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है, 2 टेबलस्पून ऑयल, 2 टीस्पून चना दाल, 2 टीस्पून सेसमी सीड्स, 1 अनियन फाइनली चॉप्ड, 8-10 गार्लिक पॉड्स, करी लीव्स, 1 लेमन साइज टैमरिंड, 2 टीस्पून रोस्टेड चना दाल, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 अब हम इसमें डालेंगे ये सोक किया हुआ रेड चिलीज। टू टेबलस्पून फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे।
हमने 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर जार में डाल के इसे चटनी ग्राइंड कर लेंगे। हमारा ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो गया है, इसे हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसका एक फाइन पेस्ट इन्हें चटनी बना लेंगे। चटनी बनाते वक्त ये रेड चिली जो हमने सोक किया है ये पानी हम यूज़ करेंगे उसे ग्राइंड करने के लिए। हम इसे 2 बैचेस में ग्राइंड करेंगे, आधा भी ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड होने के बाद बाकी का आधा हम ग्राइंड करेंगे। हमने ये चटनी स्मूथली ग्राइंड कर लिया है। हमारा ये रेड चटनी तैयार है। हमारा ये रेड चटनी तैयार है। ये किसी भी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट यानी इडली डोसा उत्तपम और मैसूर मसाला डोसा के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है।